अस्सलामु अलैकुम आइटो फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं श्रिम अल्फ्रेडो पास्ता। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको आप डिनर में बनाइए या आप इसको लंच में एंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे रेडी किया है। श्रिम लिए हैं 1 पाउंड, इसको अच्छे तरीके से धो के ड्रेन कर लिया है। उसमें ऐड की है रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और सॉल्ट 1/2 टीस्पून। फ्राई पैन को गर्म कर लिया है और ऐड किया है बटर 2 टेबल स्पून और ऑयल को ऐड किया है 2 टेबल स्पून। हमेशा बटर के साथ ऑयल को ऐड कर लिया करें, इससे बटर जो है वो बर्न नहीं होगा। बस इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2 टीस्पून मिन्स्ड गार्लिक यानी कि चॉप्ड गार्लिक। अब इसको हमने हल्का सा सॉटे कर लेना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमने कुछ सेकंड्स के लिए इसको भून लेना है। चॉप्ड अनियन इसमें ऐड करते हैं 1/2 कप। इसको भी हल्का सा सॉटे कर लेते हैं कि ये हल्की सी जो है सॉफ्ट सी हो जाए। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं ग्रीन अनियन 1/2 कप। तो राइट नाउ मैं अभी उसका जो अनियन का पार्ट होता है वो ऐड कर रही हूँ, उसके स्टेम्स ऐड नहीं कर रही, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे हमने श्रिम को भी ऐड कर लेना है। यहाँ पे अब हम सॉटे करने लगे हैं और अभी हमने फ्लेम को हाई कर लिया है। तो हमेशा जब भी आप श्रिम बनाएँ तो हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करा करें। यहाँ पर ऐड करते हैं ग्रीन बेल पेपर 1/2 कप और ब्लैक पेपर ऐड की है 1 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायक़ा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो भी अवेलेबल हो, शिमला मिर्च, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, तो आप कोई सी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रीम ऐड करते हैं 1 कप के करीब। बहुत ही रिच सा फ्लेवर आएगा और ऐसा लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में जो है ना ये श्रिम अल्फ्रेडो पास्ता खा रहे हैं, स्पेगेटी खा रहे हैं। तो अब इसको हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लेते हैं, इससे क्रीम थिक हो जाएगी। ऐड करते हैं 2 कप उबले हुए स्पेगेटीज़ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे और कुटी हुई मिर्ची या काली मिर्ची को ऐड करना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में हमने बिल्कुल फ्लावर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप दूसरे किस्म के स्पेगेटीज या पास्ता देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने स्टोव को बंद कर लिया है और थोड़ी सी जो है ना रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर ली है और साथ में हमने अनियंस, ग्रीन अनियंस का जो अपर पार्ट होता है वो इसमें ऐड कर लिया है। तो ये ज़बरदस्त से अल्फ्रेडो श्रिम्प रेडी हैं। इसको एंजॉय कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपने वीडियो एंजॉय की है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।